सो हेलो गाइस, वेलकम टू वीवी जेजान। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 की एंडिंग के बारे में, और तो आज हम लोग इस मूवी के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये मूवी है कैसी। तो पहले हम लोग इस मूवी की समरी जान लेते हैं कि आखिर इस मूवी का प्लॉट क्या है। तो बेसिकली हमें इस मूवी में ये बताया गया है कि कुछ रशियंस ने काफी समय पहले एक AI बनाया था जो कि उन्हें हेल्प करेगी साइबर वॉर के लिए, बट उन्होंने उस समय कुछ ऐसी गलती कर दी थी कि AI अब एक फुल्ली फंक्शनल वेपर बन चुकी थी जो कि खुद से ही काफी सारी चीजों को कंट्रोल करना सीख गया था। पर रशियंस ने AI सिस्टम को एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा था जो कि इस समय एक सबमरीन में लोकेटेड है, और वो सबमरीन पानी के अंदर डूबी हुई है जिसकी की इस समय काफी जगहों पर घूम रही है, जिसको हासिल करने के लिए इथन का कैरेक्टर हमें इस मूवी में नजर आता है। तो बात करें अगर हम लोग इस मूवी की एंडिंग के बारे में, तो मूवी के एंड में इथन गैब्रियल से वो की लेने में सक्सेसफुल हो जाता है जिससे कि AI की जो कंट्रोल बॉक्स है ना वो ओपन किया जा सकता है। और तो हमें मूवी के एंड में भी ये पता चलता है कि AI अब एक काफी ज्यादा फुल्ली फंक्शनल वेपन बन चुकी है और वो काफी सारे लोगों को कंट्रोल कर रही है, जिसमें से गैब्रियल उसका एक काफी मेन आदमी है। जिसके बाद जो आगे की स्टोरी है ना वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखने वाली है। तो मे भी हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में यही पता चलेगा कि कैसे इथन पूरे वर्ल्ड को AI के वॉर से बचाएगी, क्योंकि अब जो AI है वो एक काफी फुल्ली फंक्शनल वेपन बन चुकी है और तो वो डिस्ट्रॉय करना चाहती है इस वर्ल्ड को। तो आपको क्या लगता है कि क्या पार्ट 2 में इथन पूरे वर्ल्ड को बचा पाएगा भी कि नहीं साइबर वॉर से, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल 7 की एंडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है तो प्लीज ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।